हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। दिस इज़ अवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11 बायो। सो हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। हमने उस दिन पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने उस दिन? रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर पढ़ लिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जितनी भी केमिकल प्रोसेस किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चलती है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चलती है, तो उसे हमने क्या बोल दिया है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितनी भी लिविंग प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उन सारी प्रोसेसेस को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो किससे बने हैं? केमिकल से बने। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो किससे बनेगा? वो केमिकल से बनेगा, ठीक है। ये केमिकल जो रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं? वो बनते हैं, मतलब बनते हैं और चेंज होते जाते हैं, मतलब बनेंगे और फिर वो क्या होंगे? चेंज होंगे। किस में? अदर अदर बायो मॉलिक्यूल्स में। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो रहेगा या केमिकल सब्सटेंस जो रहेगा वो बनेगा, फिर बनने के बाद चेंज होगा और चेंज होकर दूसरा बायो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो केमिकल जो रहते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, मतलब बड़े भी हो सकते हैं, और अलग अलग क्लासेस में भी आ सकते हैं। मतलब ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, और ये साइज और फंक्शन के भी ये जो केमिकल्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी केमिकल हो वो क्या होगा? बनेगा वो, और फिर उसके बाद वो चेंज होगा, और चेंज होके फिर वो दूसरा बायो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब इनका जो कन्वर्जन है, हाँ, मतलब ये इन बायो मॉलिक्यूल्स या इन केमिकल्स का क्या है? कन्वर्जन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन को हमने क्या बोला? कन्वर्जन को हमने केमिकल रिएक्शन बोला है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला है, ठीक है। अब देखिए, ये जो थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिक जो रिएक्शन चलती है, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, ये साइमल्टेनियसली होती है। किसके अंदर? लिविंग सेल के अंदर। तो ये साइमल्टेनियसली होती है किसके अंदर? लिविंग सेल के अंदर, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सब। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है? अब ये जो रिएक्शन हो वो भले ही किसके अंदर हो, वो भले ही यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों के अंदर हो, तो भी ये क्या होगा? वो साइमल्टेनियसली इन दोनों के अंदर, मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों के अंदर चलती रहेगी, ठीक है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, दोनों के अंदर वो सारी रिएक्शन जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। ऑल प्लांट एनिमल फंगी, मतलब जितने भी प्लांट है, एनिमल है, फंगी है और माइक्रोब्स है, इन सभी के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि द टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चलती है, उन सभी की हमने बात करी है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चलती है, तो उनका अगर सम, मतलब उन सभी को अगर इंक्लूड कर दिया जाए जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है, तो उनका, उसको हमने क्या बोला है? मेटाबॉलिज्म बोला है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसे हम क्या कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? आउटसाइड द बॉडी, और किसके अंदर कर सकते हैं? सेल फ्री सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। हाँ, वापस से समझेगा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसे हम क्या कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? आउटसाइड द बॉडी, और किसके अंदर कर सकते हैं? सेल फ्री सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। तो आउटसाइड द बॉडी तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर, ठीक है। लेकिन सेल फ्री सिस्टम क्या होता है? तो सेल फ्री सिस्टम क्या होता है? एक विट्रो टूल होता है, हाँ, जिसे हम क्या करते हैं? विट्रो टूल को हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शन जो रहती है उसको हम स्टडी करने के लिए, क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए हम इस टूल को, किसको? ये सेल फ्री सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। अब ये विट्रो जो है, जो विट्रो टूल है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, विट्रो टूल जो है वो क्या होता है? ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ ग्लास रोड्स वगैरह रहती है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं? जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो इनमें परफॉर्म करवाते हैं। तो उन्हीं को हमने क्या बोला है? विट्रो टूल बोलते हैं, ठीक है। और जनरली ये क्या होते हैं? ये ग्लास ट्यूब ही होती है, ठीक है, या फिर ग्लास डिश होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम
क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रहती है उनको हम परफॉर्म करवाते हैं विट्रो टूल के अंदर। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एक कोई सी भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे हम मतलब बॉडी के क्या कर सकते हैं, बाहर करवा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती होगी तो उसको हम क्या करवा सकते हैं, उसको हम बाहर परफॉर्म करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, बाहर परफॉर्म करवा सकते हैं, वो भी किसके अंदर, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाँ, अब ये जो है, हाँ मतलब अगर ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ऐसी कोई सी रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं जो बॉडी के बाहर हो रही है, बॉडी के बाहर परफॉर्म हो रही है, तो वो ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, और इसी कैरेक्टर के कारण मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म जो है उसको हमने क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर्स बोला है, किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब याद रखिएगा, हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माना है किसी भी लिविंग सेल का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमने रिप्रोडक्शन को भी क्या नहीं माना है, उसको भी हमने डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमने डिफाइनिंग फीचर्स किसे माना है, मेटाबॉलिज्म को हमने डिफाइनिंग फीचर्स माना है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। हाँ, विदाउट एक्सेप्टेशन, मतलब उसमें कोई एक्सेप्टेशन भी नहीं है, किसमें, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे थे जिनमें हमने एक्सेप्शन मान लिए थे, ठीक है ना, जिसमें एक्सेप्शन थे रिप्रोडक्शन के, लेकिन मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं है। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबोलिज रिएक्शन इन इनविट्रो आर नॉट लिविंग, क्या बोल रहे हैं कि भले ही आइसोलेटेड जो मेटाबोलिक रिएक्शन है उसमें क्या है, इनविट्रो मतलब जो इनविट्रो कल्चर कराए हमने, हाँ उसमें भले ही क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन श्योरली जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, वो लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने मेटाबोलिज्म को क्या माना है, एक डिफाइनिंग फीचर्स माना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।